नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हिंदुत्व को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में खूब घमासान मचा हुआ है। विवाद की शुरुआत होती है सलमान खुर्शीद की एक किताब से, जिसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे कट्टर आतंकी संगठनों से की जाती है। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं और हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझाते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी एक बयान वायरल होने लगता है, जिसमें वो जय श्री राम के नारे लगाने वालों को निशाचर बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हिंदुत्व को लेकर के सियासी तनाव इतना क्यों बढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद तमाम मुद्दों पर बारीकी से विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाना और टिप्पणी करने की बाढ़ आ गई है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं को लग रहा है कि हिंदुत्व और हिंदू पर टिप्पणी करके एक बार फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की जा सकती है और उसे वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। कांग्रेस की ये सोच सलमान खुर्शीद से शुरू हुई और उनके विचारों को आगे बढ़ाने में दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी और राहुल गांधी ने नायाब तरीके अपनाए और यहां तक कि पी चिदम्बरम ने भी हिंदुत्व और हिंदू की व्याख्या करने की कोशिश की। कांग्रेस के इन महान दिग्गजों ने क्या टिप्पणी की, आइए आपको सुनवाते हैं। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त है, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। ये अलहदा बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता है हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोर। इज हिंदुइज्म अबाउट बीटिंग ए सिख और अ मुस्लिम? हिंदुत्व ऑफ कोर्स इज, बट इज हिंदुइज्म about killing a clerk? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads, I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. सवाल तो यही है कि जब राहुल गांधी हिंदू को धर्म से जोड़ते हैं और हिंदुत्व को उससे अलग, तो ये समझा जा सकता है कि वास्तव में सनातन परंपरा से वो कितना कटे हुए हैं। ये और बात है कि समय समय पर जनेऊ पहनकर मंदिरों में जाने की एक बड़ी कवायद करते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ हिंदू ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक वो खुद को साबित नहीं कर पाए। रही बात राशिद अल्वी की, तो अपने ज्ञान के हिसाब से उन्होंने राम का नाम लेने वालों में राक्षसों को भी शुमार कर दिया। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी जैसे नेता हिंदुत्व पर टिप्पणी करके किस करीने से अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा और उनका नेता बनाने की कवायद कर रहे हैं। ये और बात है कि फिलहाल इनमें से कोई भी नेता मुसलमानों को एक साथ जोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आज भी मुस्लिम वोट बैंक का जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ जिन्ना के नाम पर करने की कवायद चल रही है। इस कवायद में श्री राम हिंदू और हिंदुत्व पर टिप्पणी सचमुच में कांग्रेस के नेताओं की भीतरी सोच को उजागर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताते हुए नजर आ रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने विचारधारा को लेकर के भी
बात कही है, इस पर बारीकी से चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, ये बिहार कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा अश्विनी शाही बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल स्नेहाशीष वर्धन जी आपसे, राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बता रहे हैं, क्या राहुल गांधी को सलमान खुर्शीद को ये नहीं बताना चाहिए था कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से नहीं की जा सकती? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में किन बातों का कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये लगातार प्रयास किया जाता है कि चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, और ये कहीं ना कहीं उसी प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा कार्य है। तो ये निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात है कि किस संदर्भ में ये बातें कही गई थी। ये बातें मॉब लिंचिंग के ऊपर कही गई थी कि आईएसआई के द्वारा भी वैसे ही लोगों को मॉब लिंचिंग किया जाता है। आपने किताब पढ़ी? वैसे ही किया जाता। आपने किताब पढ़ी जी स्नेहाशीष? आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको तो पता होगा किस संदर्भ में कहा गया था। आप बता दीजिए किस संदर्भ में कहा गया था। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संदर्भ वही था कि मॉब लिंचिंग से ही जोड़ के उस मुद्दे को उठाया गया था वहां पे। और इस चीज को हमें ये समझना होगा कि किसी भी सभ्य समाज में दुर्दांत हत्यारा और क्रूर मानसिकता के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हिंदुत्व मॉब लिंचिंग को प्रदर्शित करता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, सनातन हमारा धर्म है। सबसे पहले तो इस बारीकी को आपको भी समझना होगा और जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी समझना होगा। सनातन धर्म की जब बात हम करते हैं, आप राशि रलवी की बातों को उठा रहे हैं, आप सलमान खुर्शीद जी की बातों को उठा रहे हैं, तो उन बातों के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है कि राशि रलवी जी की जानकारी सनातन धर्म के बारे में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से अच्छी है, भले वो इस्लामिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, बावजूद इसके उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उनसे अच्छी है। ठीक है, अश्विनी साई जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अश्विनी साई जी, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा बनाकर चला रही है, हमारा संदर्भ दूसरा था और जो संदर्भ था वो मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ था, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब विचार व्यक्त तो इन्होंने किया, अब उसमें मॉब लिंचिंग को जोड़े या कुछ किसी चीज को जोड़े, मॉब लिंचिंग जो हुई है, क्या आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूँ, कांग्रेस आज पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस के तो नेताओं ने बहुत पहले से इस चीज को किया है। एक आपको याद होगा अफजल गुरु के ऊपर, अफजल गुरु को हालात का मारा हुआ किसने बताया था? दो कांग्रेसी नेताओं ने, मणिशंकर अय्यर ने और शशि थरूर ने ट्वीट करके बोला था कि वो हालात का मारा है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हमेशा नफरत की राजनीति। आज अगर सलमान खुर्शीद जी लिख रहे हैं बोको हरम से, अगर हिंदुत्व की तुलना कर रहे हैं, हिंदू 100 करोड़ हिंदू है यहाँ, अगर बोको हरम और हिंदुत्व की बात करें तो किसी संगठन की बात होती है, और बोको हरम का क्या है, उसका जड़ जो है पूरे देश नहीं पूरे विश्व में इस्लाम को की इस्लामिक कट्टरता को फैलाकर इस्लामीकरण कराना है। कौन सा हिंदू का संगठन है जो हिंदूकरण करा रहा पूरे देश में, आप बताइए हमको, क्यों कहा गया इस चीज को? बोको हराम से तुलना बहुत ही निहायत निंदनीय और अपमानजनक है हिंदुओं के लिए। अगर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और आप वहां पर हमारे आज जो है उद्घोषक के रूप में बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि आपका और हमारा और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता का, जो कार्यकर्ता नेता जो भी है हमारे भाई, इनका भी अपमान है। इन्होंने अपमान करने का, और राहुल गांधी जी जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने उसके ऊपर मुहर लगा दी कि जो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनकी माता जी बाटला हाउस कांड पर रो चुकी थी। उनके जो है दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को भगवा आतंकी कहा था, मनमोहन सिंह वो क्या कहते हैं, ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन जी से जवाब ले लेता हूं मैं। स्नेहाशीष वर्धन जी, आपको पता होगा एसआईएस कैसे काम करता है, बोको हरम कैसे काम करता है, मॉब लिंचिंग तो नहीं करता है, क्या करता है आप भी जानते हैं। तो जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो बोको हरम और आईएसआईएस से तुलना की गई थी उसमें, उस पर बोलिए ना आप संदर्भ दूसरा बता रहे हैं। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आप बोको हरम भी एक चरमपंथी संगठन है, वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, वो भी एब्सोल्यूट इस्लाम की बात करता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एब्सोल्यूट हिंदुत्व की बात करते हैं।
बोको हराम कितने इस्लामिक लोगों को पसंद है पहले इसका सर्वे करा ले, ये हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं। उसके बाद दूसरे तरफ देख लिया जाए कि जो एब्सोल्यूट हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, उसको मानने वाले हमारे देश में कितने कट्टर हिंदू हैं, उसको तो उसकी तुलना कर ली जाए। इन बातों को समझना होगा कि अच्छा, सबसे पहले तो सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व एक पद्धति है, जीवन जीने की शैली है, इस चीज को तो पहले डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने की और कोई ध्यान ही नहीं देता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, पहले मुझे सवाल तो पूछने दीजिए आप। अच्छा, अगर हिंदुत्व तो मॉब लिंचिंग दिखाता है जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर वो जनेऊ पहने हुए क्यों नजर आते हैं, मंदिरों में जाते हुए क्यों नजर आते हैं? वो भी तो उसी पद्धति को, पद्धति में खुद को दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं स्वयं एक हिंदू हूं, मैं सनातनी परंपरा, सवाल का जवाब दीजिए ना, वाहक हूं, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए ना। गर्व करता हूं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संविधान के प्रति हमारी निष्ठा है और भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात करता है। तो हम संवैधानिक तौर पे हिंदू धर्म के होने के बावजूद हम अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हैं। कोई विचारक अपनी बातों को रख रहा है, वो किसी से किसी की तुलना कर सकता है। जैसे आज देश में विद्वान भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेता, सुनिए मेरा सवाल, सुनिए आप, सवालों से आप भाग रहे हैं, सवालों से, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, अपनी दूसरी रामायण कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हिंदुत्व के बीच में बैटिंग करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें खुद ब खुद एक विकेट होती हुई नजर आ रही है। हिंदुत्व की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है। उनसे मैं सवाल पूछूंगा, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी अपनी बातों को रखे हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, तो वो एक तरफा राजनीति करने लगती है, उसका कोई एजेंडा हो जाता है। ये पहले परसेप्शन चेंज करना होगा। ठीक है, अश्विनी साई जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा और बेहद अहम सवाल है ये। कांग्रेस को लेकर के तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, संजय निषाद को तो जानते हैं ना आप, और सवाल मेरा आपसे ये है, हाल ही में उन्होंने कहा था कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं, क्या कहेंगे इस पर? किसने कहा था? संजय निषाद, निषाद पार्टी के। देखिए, अब पर्टिकुलर संजय निषाद की बात है, उनको जवाब मिल गया था, हमारे पास हमारे दल के एक नेता ने उनको जवाब दे दिया था। उन्होंने आए बाय साय कुछ बोले, हमारे दल के नेता नहीं, हमारे साथी है, हमारे दल के नेता नहीं है वो, कि उनकी चीजों को लेकर हम चले। हम कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं। जी जी जी, हमारे साथ है, मैं कह रहा हूँ हमारे सहयोगी है, लेकिन हमारे दल के नेता नहीं है वो। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं रहा होगा, मैं कहता हूँ कि उनको इतिहास का ज्ञान नहीं रहा होगा, उन्होंने कहा होगा, और हमारे दल के एक नेता ने उनका जवाब भी दे दिया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हिंदुत्व के ऊपर जो सवाल उठता है और कांग्रेस उठा रही, चूंकि कांग्रेस जब से इस धरती पर आई है तब से तुष्टिकरण की राजनीति करती है, और कांग्रेस का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक लोग हैं वो लोग खुद वर्णशंकर परिवार से आते हैं। माँ कुछ और है, पिता कुछ और है, कहीं का कुछ और है, कहीं का रोड़ा, कहीं भानुमती का कुरबा जोड़ा, सब जुड़ा हुआ है उसमें। ये गलत बात है, आपको इस तरीके की बातों से परहेज करना चाहिए। देखिए, किसी पर सुनिए, किसी पर पर्सनल कमेंट मत कीजिए आप, सुनिए मैंने बोला, किसी पर पर्सनल कमेंट मत कीजिए आप। सबसे पहले मैं बोलूंगा की पर्सनल कमेंट क्यों नहीं किया जाए ये बताइए। हिंदुओं के, हिंदुओं की आस्था, हिंदुत्व पर अगर कुठाराघात किया जाएगा तो हम पर्सनल कुछ नहीं है, आप बताइए। फिरोज गांधी, हम लोग देखिए व्यक्तिगत नहीं होना है, देखिए व्यक्तिगत कमेंट कमेंट मत कीजिए। अच्छा, एक और सवाल मैं ले लूंगा, एक और देखिए, देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। आप अपनी पार्टियों की नीति रखिए, मैं रखूंगा, इसलिए अश्विनी जी, अश्विनी जी एक सवाल लेना चाहूंगा स्नेहाशीष वर्धन जी से। सहयोगी अश्विनी जी आपने के पूरे निषाद समाज के लिए उनको घूमते हैं, आप कह दिए कि एक बयान से खंडन हो गया उनकी बातों को, जवाब दे लेने दिया जाए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, हर हर मोदी बोलते हैं बनारस शुरू करने के बाद, बीएचयू का प्रोडक्ट ऐसे ही होगा क्या? हर हर मोदी बोलते हैं ये लोग, ऐसे हर हर महादेव के ऐसे होगा क्या? वाले लोग हैं ये लोग। नहीं, अगर सच्चाई बता रहा हूँ तो हमारे कांग्रेसी मित्र के दर्द हो जा रहा है, तो या तो मैं शांत रहूं या मुझे भी समय दिया जाए बोलने का। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि दोनों
जो दोनों नेता हैं, अपनी बात एक एक करके रखिए, मैं दोनों नेताओं को बराबर मौका दूंगा। अगर आप लोग ऐसे बहस करेंगे ना तो जनता को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसने आशीष वर्धन जी एक अहम सवाल, ठीक है ठीक है, इसने आशीष वर्धन जी से मैं एक सवाल इसने आशीष वर्धन जी आपसे लेना चाहूंगा। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा है कि कांग्रेस में एक ऐसा तबका है, आपको मैं दोबारा मौका दूंगा। चलिए ठीक है अश्विनी जी, आपसे सवाल ले लेता हूँ। चलिए नहीं आपसे सवाल ले लेता हूँ, आप एक बार एक सवाल का जवाब दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है आप अपनी बात बोलिए, ठीक है बोलिए कांग्रेस से सवाल करिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं आप बोलिए फिर, क्या बोलना चाहते हैं आप? अपनी बात पूरी कीजिए, नहीं आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं अगर आप ऐसे नाराज होंगे तो फिर कैसे चलेगा, आप बताइए ना। आप अपनी बात पूरी कीजिए। करने वाली कांग्रेस को आप समय देना चाहते हैं और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले को आप समय नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं दोनों मेहमानों को बराबर समय दूंगा। अगर हिंदू और मुस्लिम पर देश बटा था और आज मैंने बर्णशंकर परिवार कहा, उस परिवार को व्यक्तिगत आक्षेप हो गया। मैंने अपने भाई यहाँ बैठे हुए इनको नहीं कहा कुछ कहा, लेकिन उस परिवार को अगर व्यक्तिगत आक्षेप क्या मतलब है भाई? नहीं सुन सकता उनके, मैं राजपूत कुल से हूँ, सुन लीजिए, मैं राजपूत कुल से हूँ, मेरा बाप राजपूत था, मेरा दादा राजपूत था, मेरा नाना राजपूत था, हिंदू धर्म का हूँ मैं, सनातनी हूँ। सुन लीजिए बात सुनिए, पहले बीच में मत बोलिए, आशीष वर्धन जी आपको भी मौका दूंगा, पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं एक राजपूत कुल से हूँ, मेरा बाप भी राजपूत, मेरा दादा भी, मेरे परदादा भी राजपूत, मेरे नाना भी राजपूत, उनके परनाना भी राजपूत। तो मैं खुल के कहता हूँ, क्या राहुल गांधी बता सकते हैं जनेऊ दिखाने की जरूरत क्या पड़ती है उनको अपने कुर्ते के ऊपर? त्रिपुरा में जाकर वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ था, वहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए और वहाँ बयान देते हैं, और इस समय जो है महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार है, दंगे भड़कवाने का काम करते हैं, ये तुष्टिकरण नहीं तो क्या है? हिंदुत्व के ऊपर हमला है। 1995 11 दिसंबर 1995 को जस्टिस जीएस वर्मा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक हिंदुत्व के ऊपर एक अपना फैसला सुनाया था कि हिंदुत्व हिंदुस्तानियों की जीवन शैली है। बिल्कुल भाई, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके निशाचर कहने वाले राशिद अलवी, जो बोको हराम से तुलना करने वाले सलमान खुर्शीद, उनके समर्थन करने वाले राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं भाई? इसको तो आज मुद्दा ये है, आप कह रहे हैं आपकी भावना हो सकती है, लेकिन आपके बड़े नेता क्या कह रहे हैं, देश में क्या फैला रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। जी ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। इसने आशीष वर्धन जी आप तो कह रहे हैं, लेकिन जो आपके नेता कह रहे हैं वो तो उनकी बातों में तो ये बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। कहीं ISIS और बोको हरम से तुलना हो रही है, कहीं निशाचर बताया जा रहा है जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उस पर क्या कहेंगे, जवाब दे दीजिए। इसका जवाब हमारे विद्वान साथी जो अभी हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद दे दिया है कि हिंदुत्व जीवन जीने की शैली है। इन्होंने कोर्ट भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आधार पे, उनके फैसले के आधार पे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इसी बनारस की धरती पे जब हर हर महादेव का उद्घोष होता है, जहां वहां पे हर हर मोदी का उद्घोष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सनातन धर्म की शिक्षा देंगे कांग्रेसियों को? मैं इनसे ये सवाल लेना चाहूंगा। रावत जी, अश्विनी जी, जी सवाल पूछा उन्होंने, हर हर मोदी के नारे लगते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी के आगे हर हर जोड़ने की क्या जरूरत है? जवाब दे दीजिए इसका आप। नहीं तो इसमें कहीं सनातन का अपमान हो गया क्या? हर हर मोदी अगर बोल दिया गया, हर हर महादेव बोल रहे हैं, हम जय श्री राम बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसमें हर हर मोदी अगर जनता ने जोड़ा है तो उसमें कहीं अपमान तो हम नहीं कर रहे हैं? जनता का नारा उनको जवाब देने दीजिए जी, जवाब सुनिए। आप बोको हरम की तुलना हिंदुत्व से हिंदू से करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे। बोको हरम कहता है कि सीधा हम इस्लामीकरण फैलाएंगे, मार डालो। 25 लाख लोग बेघर हुए हैं बोको हरम के वजह से। क्या हिंदुत्व की वजह से एक घर भी बेघर हुआ है, बताएं आप? हिंदुत्व में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर चलती है, कांग्रेस को ये बुरा लगता है क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ये लोग, और देश में इन्होंने 56 साल राज किया है, 56 साल में इन लोगों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है। आप बताइए क्या क्या इनके यहाँ हुआ? इनके गृह मंत्री 2013 की मैं घटना बताऊं आपको, सुशील कुमार सिंधे जी थे, वो कहते हैं जयपुर में RSS के कैंप में आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है, ये कहा था उन्होंने। उसके बाद जब वो सदन में पहुंचे हैं, उनसे पूछा गया सवाल, एक गृह मंत्री रहते हुए आपने ये बयान दिया,
तो उन्होंने कहा है ऐसे निकल गया मेरे मुंह से, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। ऐसे तो नेता है इनके, क्या कहेंगे सदन में? उन्होंने ऐसा कहा था, सदन की बात है, सदन की बात गीता और कुरान की तरह सही होती है। तो आप इस तरीके की बात करेंगे कि बोको हराम से तुलना की जाएगी और राहुल गांधी उस पर मुहर लगाएंगे, क्या मतलब है भाई? ठीक है, एक सवाल मैं ले लेता हूँ स्नेहाश्रीष वर्धन जी आपसे। अब दरअसल जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, हर हर मोदी से के नारे क्यों लगाए जाते हैं, सर इसमें और बोको हराम और आईएसआईएस से तुलना करने में ना जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। और सलमान खुर्शीद ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा तबका है जिसे इस बात पर पछतावा है कि हमारी छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की है। अगर इसके क्या मायने निकालूं मैं, अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस में एजेंडे को लेकर कंफ्यूजन है? अगर एजेंडे को लेकर कंफ्यूजन है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है आपकी पार्टी के लिए। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बातों को रखने के लिए सभी विद्वान नेता जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह वे एक विचारधारा और एक व्यक्ति विशेष से बंधे हुए नहीं है, और इस बात को एडमिट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जब निशाचर की बात कर रहे हैं, आपकी राशिद अल्वी जी ने निशाचर बोल दिया तो कालनेमी राक्षस के बारे में हमारे विद्वान साथी को मालूम होगा, क्योंकि हिंदुत्व की और सनातन धर्म के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि उन्हें ज्यादा जानकारी है कांग्रेसियों से। तो मुझे ये इनको बताने में कोई गुरेज नहीं है कि कालनेमी राक्षस ने किसका स्वरूप धारण किया था। विद्वान मित्र हमारे बता देंगे इस चीज को, जरा इनसे पूछ लिया जाए कि कालनेमी राक्षस का जिक्र जो उन्होंने किया था, जिस निशाचर का उन्होंने जिक्र किया था, वो कहां पे मिला था, जरा इनसे पूछ लिया जाए किस कांड में इसकी चर्चा है, क्या है इसको, इस परिपेक्ष को ये समझते भी है कि नहीं समझते हैं, किस संत का रूप उसने धारण किया था, वो उसके मुख पे किसका घोष हो रहा था, जसराम का उद्घोष हो रहा था उस कालनेमी राक्षस के द्वारा, उसी बात को राशिद अल्वी जी ने बोला। राशिद अल्वी जी ने जो मुख्य बातें कही उसको गौड़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में राम राज्य की आवश्यकता है, देश में राम राज्य को स्थापित करना चाहिए, देश में राम राज्य आना चाहिए, इन बातों को गौर कर दिया। अच्छा, गया। एक सवाल लेना चाहूंगा मैं आपसे, स्नेहाश्रीष वर्धन जी, राहुल ने हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बताने की कोशिश की है, मैं आपसे उस अंतर को स्पष्ट करना, मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व अंतर स्पष्ट कर दीजिए। आप चीजों को नहीं समझ पाए, हिंदुत्व और समझा दीजिए, अलग किया, मैंने सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में बताया। नहीं, राहुल गांधी ने बोला ना, राहुल गांधी ने कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, अलग हैं दोनों, वो मैं समझना चाह रहा था कि वो कैसे अलग हैं। उन्होंने कल कहा है, आपने तो सुना ही होगा, हिंदू और हिंदुत्व में सनातनी धर्मावलंबी जो होते हैं उन्हें हिंदुओं के का दर्जा है, हिंदुत्व जीवन शैली है, जो हिंदुओं की प्रचलित शैली है उसे हिंदुत्व कहते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है विद्वान मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी के। देखिए रावत जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, आप जवाब दीजिए इनके सवाल का। मुझे तीन तीन चीजों पर करना है, हम अपने कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बोको हराम आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना की गई तो क्यों की गई, और उसको जस्टिफाई ये कर रहे हैं, इसका मतलब कि कांग्रेस की सहमति है उसमें। राहुल गांधी ने भी हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके जो है उसकी सहमति दे दी, और हमारे मित्र अभी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने तीन बार कहा हम कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, कट्टर हिंदू हम हैं, अभी इन्होंने कहा। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता है, इसको परिभाषित करना अगर आप चाहते हैं तो आप कट्टर हिंदू नहीं होता है, हिंदू हमेशा सहनशील और सहिष्णु होता है, हिंदुत्व की नहीं होता है। परिभाषा जिस तरह से बता रहे हैं अश्विनी साहि जी कि हिंदू कभी कट्टर नहीं होता है, आप कह रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, इस पर क्या कहेंगे? और उसके अलावा एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से क्या आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना की जा सकती है, इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर की जा सकती है, पहले तो मैं इस बात को कभी मानूंगा नहीं, और ये बात कहीं पर भी, इस बात का कहीं पर आधार भी नहीं है। और ये जो उन्होंने कहा है, मैं तो ये कहूंगा कि सलमान खुर्शीद को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, गुलाम नबी आजाद भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनके इस कथन से सहमत हैं? देखिए फिर से वही बात आ रही है, जैसे बताया गया कि हिंदुत्व जो है जीवन शैली है, और नहीं, जो उन्होंने कहा उस पर, जो उन्होंने कहा उस पर जवाब दीजिए, क्या उनकी बातों पर, कि मैंने इन्हीं से ये बात बुलवाई कि हिंदू कभी कट्टर नहीं होते, फिर ये बार बार इस्लाम पे क्यों हमला करते हैं,
क्यों इस्लामिक विचार आपने कट्टर कहा अभी अब कहां चर्चा को लेके जा रहे हैं यही बातें मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कहीं कट्टरता का स्थान ही नहीं होता है ये बात आपने कहा मैं कट्टर हिंदू हूँ आपने कहा भाई मेरे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद को फिर से बोल रहा हूँ मैं कट्टर हिंदू हूँ कट्टर हिंदू क्या होता है भाई वही तो तुम जाइए और वही तो आप कह रहे हैं कि हम चलिए ठीक है कट्टर होता है भाई सुनील साई जी मैं सवाल लेना चाहूंगा धर्मों के प्रति भी मेरे मन में सम्मान है इसने आशीष जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप हिंदू और कट्टर हिंदू इसमें फर्क बता दीजिए मुझे आप कह रहे ना मैं कट्टर हिंदू हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक चीज बन गई है अवधारणा आप सवाल का जवाब दीजिए ना हो सकते हैं बातों को समझ लीजिएगा एक सेकंड में ज्यादा नहीं लूंगा 30 सेकंड लूंगा आपका ठीक है हिंदू धर्म की जब बात होती है वहां कट्टरता वास्तव में कहा जाए तो हिंदुत्व जो होती है वो जीवन शैली है वो सबको समाहित करके चलने वाली हमारी धर्म है सनातन धर्म और जब सनातन धर्म की बातें होती हैं और बोको हरम से जब तुलना की बात हो रही है बोको हरम जो है उनका लाइफ स्टाइल क्या है वो बर्बर लाइफ स्टाइल है और उसका हिंदुत्व से जब तुलना होगा तो उसपे सवाल उठेंगे वो लाजमी सवाल होंगे इसमें कोई गुरेज नहीं है लेकिन जब उसी तरीके का लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ भी अगर चलने लगे हमारे यहाँ भी लोग एक दूसरे को मॉब लिंचिंग करने लगे मारने लगे उनके खाना पीना के ऊपर सवाल उठाने लगे तो उसकी तुलना बोको हरम से होना कहीं ना कहीं लाजमी हो जाती है कहीं ना कहीं उस चीजों से तुलना होने लगेगी जो सबसे विकृत रूप में इस जीवन सभ्यता में हमारी मानव सभ्यता में जो विकृत रूप में है जो आपने कहा मैं अश्विनी शाही जी से जवाब ले लेता हूँ अश्विनी शाही जी स्नेहाशीष वर्धन जो कह रहे हैं उससे मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर राजनीति की जा रही है मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है क्या ऐसा है क्या कि हिंदुत्व की आड़ में मॉब लिंचिंग का खेल चल रहा है क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो मॉब लिंचिंग करता है वो किसी धर्म का नहीं होता है वो तो अपराधी है उसको धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है आपने देखिए रावत जी आपने इस पर कई बार हम लोग डिबेट भी किए हैं कई चैनलों पर कई जगह हुआ है और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सार्वजनिक बयान भी दिया था तो शायद हमारे कांग्रेसी मित्र ने नहीं सुना उन्होंने कहा था कि वो जो लिंचिंग करने वाले वो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी पंथ संप्रदाय धर्म किसी के हो वो लिंचिंग कोई हिंदुत्व की आड़ लेकर किसी को मारना किसी को पीटना वो अपराध की श्रेणी में है कभी हम लिंचिंग को बढ़ावा नहीं देते हैं ये आप लोग आरोप लगा सकते हैं वो अलग बात है तो ये सार्वजनिक बयान आ चुका है और सबके तरफ से आ चुका है इसमें ऐसा कोई हम उसको बढ़ावा नहीं देते हमारे लिए वो अपराधी हैं थे और आगे भी रहेंगे अगर कोई करेगा ठीक है मुझे ये कहना दूसरा एक चीज और मैं थोड़ा पूरा कर दूं जो मैंने जस्टिस वर्मा का जिक्र किया उनके फैसले को 5 जजों की बेंच में अभी हमारे मित्र बड़े वो हो गए थे 5 जजों की बेंच में उसको रेफर किया गया था इनकी इस फैसले को वहां पर फिर वहां पर क्या फैसला आया वहां पर आया कि जब किसी स्पीच के प्रतिकूल या प्रत्यक्ष तौर पर हमला करने वाली न हो उसको प्रयोग किए हुए हिंदुत्व को हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिहाज से नहीं माना जाना चाहिए उसके बाद फिर इसको 7 जजों की बेंच में चली गई है अभी भी 7 जजों की बेंच का फैसला नहीं है ये अभी भी तो आज हिंदुत्व को डिस्क्राइब करने के लिए कांग्रेस को किसने दे दिया है कि जो सलमान खुर्शीद ठीक है वो हिंदुस्तान में रह के हिंदू को कुछ भी बोल सकते हैं वो कह सकते हैं हिंदू धर्म नालायक है हिंदू धर्म लिंचिंग कर रहा है हिंदू धर्म ये कर रहा है हिंदुत्व खराब है हमको हमारे इस्लाम को खतरा है वो कह सकते हैं लेकिन बोको हरम और ISIS से तुलना ये करना एक हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके जमीन को ललकारा गया है हम 100 करोड़ हिंदू यहाँ रहते हैं और 100 करोड़ हिंदू कभी भी इस चीज को नहीं सोच सकते हैं कि हमारी तुलना एक कट्टर आतंकवादी संगठन से हो जो विश्व में सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है दोनों आपने ISIS का नाम सुना सिहरन आ जाती है देखिए अफगानिस्तान में क्या स्थिति हुई उनको इस्लाम स्थापित करना है चाहे वो उसमें वो इस्लामिक लोग मरे हिंदू मरे क्रिश्चियन मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो अपने इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं और आपने उसकी तुलना कर दी और किताब लिखकर तो इसका ये सीधा सीधा परिप्रेक्ष्य है
कि आपको तुष्टिकरण की राजनीति भाती है जो कि पिछले 56 सालों से करते चले आए हैं और आने वाले दिनों में आप उसी तुष्टिकरण पर फिर जा रहे हैं जिस पर आपने देश का बंटवारा किया। जी ठीक है स्नेहाशीष वर्धन जी, अब आप जवाब दीजिए, जो मॉब लिंचिंग करता है वो तो अपराधी है, उसको आप धर्म से जोड़कर क्यों देख रहे हैं या फिर उसमें हिंदुत्व कहां से आ गया, आप ये समझा दीजिए मुझे। मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने किताब को लिखा है, ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। मैंने ये पहले भी ये बात बोली थी, अब भी बोलूंगा। और जब रही बात मॉब लिंचिंग, वास्तविकता है ये अपराधी होते हैं तो मॉब लिंचिंग करने वालों को किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखा जाता है, ये देख बार बार बोला जाता है। लेकिन जब बार बार लोगों के किचन में झांकने वाले लोग और जो सुगंध लेके पहुंच के और मॉब लिंचिंग करते थे वो कौन से लोग थे, उसके बाद फिर दूसरी तरीके को अगर देखा जाए, अभी इनके गृह राज्य मंत्री थे, उनके पुत्र ने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, उसमें उन्होंने दोषी, अब उस अपराधी को दोषी क्यों नहीं साबित किया, षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों को इन्होंने क्यों नहीं सवाल उस पर उठाया। भाजपा के लिए हिंदुत्व हमेशा से सेल्फ डिफेंस का जरिया रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग नारंगी रंग के, भगवा नहीं बोलूंगा, भगवा पहनने के लिए त्याग करना पड़ता है, इनके तो त्यागी जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म में महंत लोगों को बहुत इज्जत मिलता है, बहुत उनका सम्मान होता है, वैसे लोग तो यहाँ पे आ जाते हैं सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो सनातन धर्म के लिए निकल चुके हैं, योगी से वो सत्ता के अलंबरदार बन जाते हैं। तो भगवा और नारंगी, इन दोनों में भी अंतर करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है ना कि भगवा का, भगवा के बारे में पूछिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, रंग होता है भगवा, सवाल सुन लीजिए, अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश नहीं की जाती है, जब राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं या फिर मंदिरों में जाते हैं, प्रियंका गांधी या देवी सर्वभूतेषु कहती हुई नजर आती है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और अगर ऐसा है तो मैं जो नजर आ रहा है, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि जिस तरह से बयान अब सामने आ रहे हैं कि आप बैटिंग करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन जो पिच है हिंदुत्व की उसमें आप बैटिंग नहीं कर पाते हैं, आपके आप उस मुद्दे पर जब आपके नेताओं की तरफ से जिस तरह से सलमान खुर्शीद भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पार्टी का प्रिय होने का जो एक तरह से उन्होंने कहा है अपने बयान में, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की छवि है उसके खिलाफ भी कही है, तो फिर इसी वजह से तो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कांग्रेस में। देखिए सबसे आसान चीज बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हिंदुत्व, मैंने पहले भी बोला कि हिंदुत्व उनका एक सेल्फ डिफेंस का जरिया है। कांग्रेस द्वारा जब समान विचारधारा, सभी धर्मों के प्रति समान विचारधारा है, समान सम्मान है, तो कांग्रेस पार्टी अगर सम्मान तो नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से बोको हरम और आईएसआई से तुलना की जा रही है, देखिए सम्मान तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता, शीर्ष नेता अगर मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द होने लगता है कि कहीं उनके हिंदुत्व पे खतरा ना आ जाए, वो जो ठेकेदार बने बैठे हैं उन पे संकट ना आ जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको प्रोपेगेंडा के रूप में चलाने लगते हैं। मैं राशिद अलवी जी के बयान को बार बार कोट कर रहा हूं, इसलिए कोट कर रहा हूं कि उनके बयान को भी कल से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और जब कालनेमी राक्षस का इतिहास अगर आप पढ़िएगा, बाद में द्वापर युग में वही कंस भी बना, सुल्तानपुर के पास का उसकी हत्या की गई, जो उसका वध हुआ, जो मगरमच्छ जो स्नान करने के लिए बोला कि जय श्री राम कहने से पहले स्नान करना चाहिए, और हमारे राम के सबसे अनन्य भक्त हनुमान जी को उसने जब मगरमच्छ वाले पानी में उतरने को कहा और हनुमान जी ने उनका मर्दन किया मगरमच्छ का, और वो स्वरूप जो आके बताया कि ये कालनेमी राक्षस है, संत का रूप धारण किया है, राशिद अलवी जी ने उस बात को बोला था। ठीक है, ठीक है, बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, अश्विनी साई जी से सवाल ले लेता हूँ, जानकारी नहीं है, अश्विनी साई जी आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब मैं अश्विनी साई जी से सवाल ले लेता हूँ। अश्विनी साई जी, स्नेहाशीष वर्धन जी एक सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी अगर हिंदुत्व की राजनीति करे तो वो ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस के नेता मंदिर जाने लगे,
वो अगर वहां पर किसी देवी का श्लोक बोल दें तो फिर उसमें बीजेपी को आपत्ति हो जाती है, बीजेपी को दर्द महसूस होने लगता है, क्या ऐसा है क्या? क्या आपने कोई लेबल चिपका रखा है क्या? रावत जी एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि कोई मंदिर जाए, कोई हमारे हिंदू धर्म में टीका लगाकर कोई आरती करे, कोई पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिखावा नहीं करना चाहिए कि अंदर जाकर एक जगह जो है हिंदुस्तान। अब एक देखिए, एक प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, विंध्याचल मंदिर से लेकर सभी अयोध्या मंदिर जा रही हैं, टीका लगा के घूम रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही राहुल गांधी त्रिपुरा में जाकर क्या बन जा रहे हैं ये भी देख लीजिए, वहां वो मुस्लिम हो जा रहे हैं, केरल में जाकर वो मुस्लिम हो जाते हैं। तो ये दिक्कत हमको इससे है। हज हाउस बनवाते हैं, अच्छा अच्छी चीज है, चलो भाई वो हिंदुस्तान में वो लोग भी रहते हैं, उनका भी बनना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में और जो क्या कहते हैं रोजा नहीं रहता है वो भी रोजा अफतारी करता था पहले, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं वो सब चीजें खत्म हुई हैं। मैं इनके तीन पीढ़ी का इतिहास अगर हमको पढ़ा रहे थे भाई हमारे, तो मैं तीन पीढ़ी का इतिहास में एक चीज बताता हूँ। महमूद गजनवी का नाम सबने सुना है रावत जी, सबने पढ़ा है उसके बारे में, वो एक आक्रांता था, लुटेरा था, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने आया और वो सोमनाथ का मंदिर तोड़कर चला गया। लेकिन उसको उस समय वहां के राजाओं ने उससे बहुत चिरौरी मिन्नत किया और उससे कहा कि भाई हम करोड़ों मुद्राएं दे देते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको स्वरूप में रहने दीजिए। उसने कहा नहीं, अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो मुझे बुतपरस्त कहेंगे लोग। वो अपने उससे इस्लाम के उसके कट्टरपंथता से हिला नहीं। लेकिन उसी को जवाहरलाल नेहरू जी जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं, अरे रुकिए भाई, उनको बोलने दीजिए, रुकिए पूरा कर लेने दीजिए, पूरा करने दीजिए। पहले के राजा थे, चिरौरी शब्द का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, मतलब ये उनको कमजोर बताना चाह रहे हैं। अरे भाई आप रुकिए, आप पूरा सुन लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के 235 नंबर के पेज में, अश्विनी साई जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, 235 नंबर पेज पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी क्या लिखते हैं, महमूद गजनवी एक योद्धा था, एक योद्धा था, उसको वहां योद्धा बताया। दूसरी पीढ़ी पर मैं आता हूं, नरसिम्हा राव जी पर, बाबरी मस्जिद यहां पर थी, इसको हिंदुस्तान के जो हिंदुत्व के लोग थे उसने उसको तोड़ा, उसको ढहाया और आज वहां पर एक भव्य मंदिर बन रहा है, इन लोगों ने विरोध किया था। नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा था कि हम बाबरी मस्जिद, थोड़ा समय का बाबा, थोड़ा जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं। और तीसरी चीज, तीसरी पीढ़ी आज आ गई है, तो आज जो है राहुल जी किस तरीके से इन लोगों के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये तीन पीढ़ियों का मैंने बता दिया, तीन पीढ़ी को मैंने बता दिया, खत्म कीजिए। अश्विनी जी, अश्विनी जी वक्त कम है, जल्दी खत्म कीजिए आप अपनी बात को, आपने बात पूरी कर ली। मैंने सिर्फ कहा गजनवी अगर योद्धा नहीं था तो क्या चाय वाला था, क्या था? वाह वाह वाह, आपको पता है ना मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? स्नेहाशीष जी आक्रांता था, योद्धा था या आक्रांता था? आप भी योद्धा कर रहे हैं, ये आक्रांता था या योद्धा था, ये जो आप तय कर लीजिए, मैंने जो बताना था वो बता दिया। चिरौरी कौन कर रहा था, ये शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म के जो वहाँ के राजा थे वो कमजोर थे, आप ये कहना चाहते हैं? चिरौरी कर रहे हैं, कमजोर थे तभी तो तोड़ रहा था, उस समय कमजोर थे हमारे, उस समय वहाँ जो लोग थे वो लोग गए उसके पास, उन्होंने करोड़ों मुद्राओं का ऑफर किया लेकिन नहीं माना वो, यही कांग्रेसी देश को तबाह कर रहे हैं इसी तरीके से। अरे आप लोग साथ चिरौरी का, हाँ कर रहे थे। अरे भाई राहुल गांधी के चीज को आप लेकर घूमिए, आप लाइव चैनल पे बैठ में आप अपने ही कुल के, आप अपने को अभी राजपूत, जवाहरलाल नेहरू पर सुनिए भाई, चिल्लाइए मत, चिरौरी करता हुआ चिल्लाइए मत, जवाहरलाल नेहरू पर सुनिए उन्होंने क्या कहा। अश्विनी साई जी रुकिए, आप इसे देखें, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं ना, जनता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, व्यूवर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्नेहाशीष वर्धन जी आखिरी सवाल लूंगा आपसे, एक अहम सवाल, बीजेपी कह रही है कि आप मंदिर जाइए, आपको जहां जाना है जिस मंदिर में जाना है आप जाइए, आप जा भी रहे, कोई रोक नहीं रहा है आपको, सवाल नहीं उठा रही है बीजेपी की, आप दिखावा करते हैं, क्या सचमुच दिखावा चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब आप दूसरे राज्यों में जाते हैं तो फिर आप दूसरे बन जाते हैं, उसके बाद जब मंदिरों में जाते हैं तो फिर जब आप यूपी में जा रहे हैं तो आप मंदिरों में घूम रहे हैं, माफ कीजिएगा, उसको लेकर के जवाब दीजिए इस सवाल का, फिर चर्चा को खत्म करूंगा। मोदी जी इटली जाते हैं तो रोम में पोप से मिल लेते हैं, वेटिकन जाके, सऊदी अरब जाते हैं तो इस्लामिक
मजार पे चले जाते हैं वो सही है, मोदी जी भी बनवाते हैं, पाकिस्तान चले जाते मंदिर भी बनवाया है मोदी जी ने, मोदी जी ने मंदिर भी बनवाया है वहाँ वो सही है, मोदी जी मस्जिद बनवा देते हैं वो सही है, मंदिर बनवाया सऊदीया में, मंदिर बनवाया कांग्रेस की हैसियत नहीं थी कि मंदिर पे ही बनवा दे। ये भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, क्या हिंदुत्व की रक्षा करेंगे भाई? छोड़ना चाहिए कि इन्होंने कैसे कह दिया कि हमारे जो पहले के राजा महाराजा यहाँ के थे वो चिरौरी कर रहे थे महमूद गजनवी के सामने, मोहम्मद गजनी के सामने, ये क्या बोलना चाहते हैं? योद्धा बताएं, हर हर योद्धा बताएं, हर हर महाराजा को योद्धा बता रहे हैं, वाह, ये हर हर को योद्धा बता रहे हैं, राक्षसा को योद्धा बता रहे हैं, लुटेरे को योद्धा बता रहे हैं, करके जो संत का रूप धारण करके जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, ये सही में कालनेमी राक्षस है, इनको अपना व्यवहार। आप लोगों ने देखा किस तरह से हिंदुत्व को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कांग्रेस का पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बीजेपी का पक्ष रखा। तो हिंदुत्व को लेकर किस तरह से घमासान मचा हुआ है वो सिर्फ सियासी गलियारों में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आपने इस डिबेट में जब हम चर्चा कर रहे थे तो इस दौरान भी खूब देखा होगा। तो हिंदुत्व को लेकर के सभी पार्टियां सियासत करती हुई जरूर नजर आ रही हैं। हिंदुत्व को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या सलमान खुर्शीद उन शब्दों को लेकर के माफी मांगेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का मतलब तो समझा रहे हैं, लेकिन क्या वो सलमान खुर्शीद को यह समझाने की जरूरत करेंगे कि हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से नहीं हो सकती है? सवाल बड़ा है और जब यूपी चुनाव आगे हों तो इस मुद्दे के गरमाने के भी खूब आसार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिंदुत्व के पिच पर किसकी बैटिंग ज्यादा निखरती है और क्या कांग्रेस जिस तरह से बयानबाजी कर रही है ऐसे ही आगे भी हिट विकेट होती रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ABC News के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।